जय हिंद। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ जुडिशरी। इस एपिसोड के अंदर, 10th एपिसोड के अंदर, हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में देखेंगे, PIL क्या होता है और कब ये शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ केसेस भी हम देखेंगे। सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये 1970s के अंदर ये शुरू हुआ। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट तक अगर हमने कोई केस लेके जाना है या सुप्रीम कोर्ट में अगर हमने जाना है तो हमें लैडर के ज़रिए, एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक नहीं जा सकते। सबऑर्डिनेट कोर्ट के ज़रिए हम उनकी जजमेंट्स के बाद हम अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो पेटिशनर्स जो हैं या पार्टीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक या हायर जुडिशरी तक, एपेक्स कोर्ट तक जा सकती हैं। PIL ने एक रास्ता दिया कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब 1970s में ये शुरू हुआ। अब शुरू क्यों हुआ ये भी हमने बात कर ली कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अब PIL होता क्या है कि मान लीजिए कि किसी कोई विक्टिम है जिसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तो अगर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता या वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, तो उसके बिहाफ पे अगर कोई उसका नॉन नहीं भी है लेकिन फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट के पब्लिक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है वो चीज़, तो कोई और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट तक एज अ पेटिशनर जा सकता है और उनके हक के लिए लड़ सकता है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आती हैं जैसे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, वो केस जो है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। उसके अलावा कंसर्न्ड सिटीज़न हो आप, हाँ आप एक जिम्मेवार नागरिक हो, और आपका अगर लोकस स्टैंडाई भी नहीं है। लोकस स्टैंडाई क्या होता है कि कोई विक्टिम है उसका कोई फंडामेंटल राइट, उसको कोई अधिकार नहीं मिल रहा, तो उसका अगर आपके साथ रिलेशन नहीं भी है भी आप उसकी जगह उसका जो केस है वो आप फाइल कर सकते हो, लड़ सकते हो, लेकिन वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए वो चीज़। जैसे इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे इन्वायरमेंट के रिलेटेड, या फिर बॉन्डेड लेबर जो होती है, या चाइल्ड लेबर हैं, इस तरह के जो केसेस हैं उस केस में आप जो है PIL फाइल कर सकते हो। PIL जो है एक बहुत पावरफुल टूल है और कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। मान लीजिए कि कोई अभी फ़िलहाल जो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है वो देश की डेवलपमेंट को लेके कोई काम करना चाहती है, लेकिन ओपोजिशन पार्टीज़ में कई बार किसी और को यूज़ करके PIL फाइल्स करवाई जाती हैं ताकि उस डेवलपमेंट के काम को रोका जा सके, प्रेजेंट गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए, या कई बार कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए भी इस तरह की चीज़ों को फाइल PIL को फाइल करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही रहनी चाहिए, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन वो नहीं बननी चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, हुसिनारा खातून का केस है ये, 1979 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, और बिहार स्टेट के खिलाफ ये केस फाइल किया गया था। एक महान एडवोकेट थे और वो फर्स्ट वुमेन एडवोकेट थे, और इवन की फर्स्ट एडवोकेट थे जिन्होंने PIL, और इवन की फर्स्ट इंडिविजुअल थे जिन्होंने PIL फाइल किया था, और 1979 की ये बात है। और उन एडवोकेट का नाम है एडवोकेट कपिला हिंगोरानी, और उन्होंने ये जो केस था ये फाइल किया था हुसिनारा खातून और उनके साथ और भी बहुत सारे ऐसे विक्टिम थे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे बिहार की जेलों के अंदर। आपको जैसे पता है कि अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी कंट्री के अंदर, अभी भी 67% अगर हम बात करें NCRB का डेटा कि काफ़ी सारे जो प्रिजनर्स होते हैं वो अंडर ट्रायल होते हैं। मान लीजिए किसी का कोई जुर्म है, उसे 2 साल की सज़ा मिलनी थी और 3-3, 4-4 साल से वो कई बार जेल में बैठे रहते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता, या उनकी आवाज़ जो है वो जुडिशरी तक पहुंचाने वाला कोई नहीं होता। तो ये जो एडवोकेट थे हुसिनारा खातून केस के अंदर जिन्होंने ये PIL फाइल किया था,
और इन्होंने उन लोगों की कंडीशन देखी और इन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जस्टिस पीएन भगवती थे, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दी कि क्या इस तरह से तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उससे लोगों का विश्वास उठ जाएगा अगर जो गरीब लोग हैं इस तरह के, और उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। और इस केस के ज़रिए जो एडवोकेट थे उन्होंने 40,000 के आसपास जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनको छुड़ाया था इस केस के ज़रिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि मदद करता है सिटीजन्स की, इंडिविजुअल्स की जस्टिस को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे एक आपने आर्टिकल 39A याद रखना है, 39A जो कि 42nd अमेंडमेंट से आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है कि अगर आप पुअर हो और आपके पास खुद का कोई लॉयर नहीं आप हायर कर सकते, तब भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से आपको लॉयर जो है, एडवोकेट जो है वो प्रोवाइड करके दिया जाएगा। क्वेश्चन है, अगर आप इतना डिले कर रहे हो जस्टिस प्रोवाइड करने में, तब आप आर्टिकल 21 का एक वॉयलेशन कर रहे हो एज अ स्टेट, आप इंडिविजुअल्स का वॉयलेशन कर रहे हो आर्टिकल 21 का। और अगर इस तरह से वॉयलेशन होती, क्योंकि स्पीडी जस्टिस, तब जस्टिस पीएन भगवती ने यह भी बताया था कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। स्पीडी ट्रायल भी एक तरह का फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस मिलने में, न्याय मिलने में डिले होता है तो वो एक तरह से अन्याय ही है। और इसके साथ आपने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे याद रखने हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A, और दो जस्टिसेस का नाम आपने याद रखना है, दो जजेस का नाम याद रखना है, हुसैनारा खातून केस ऑफ 1979 जो बिहार स्टेट के खिलाफ हुआ था अंडर ट्रायल्स का, और उसके अलावा यहाँ पे आपने जो एडवोकेट थे इस एडवोकेट कपिला हिंगोरानी, उनका नाम आपने याद रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।